हाँ हेलो बच्चों, जो अब हमारा ऑब्जेक्ट है इस एक्सपेरिमेंट का वो है टू डिटरमाइन द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर बाय जंक्शन डायोड। आप इसका सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो आपका सर्किट डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको कुछ थर्मामीटर लगा दिख रहा होगा और इसमें एक माइक्रोमीटर लगा हुआ दिख रहा है जिसको हम अभी अपने एपरेटस में इंडिविजुअली देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल जिसको आप देख पा रहे हैं अभी, इसमें हमको क्या देखना है, जो हमारे पास माइक्रोमीटर था, माइक्रोमीटर लगा हुआ था, उसमें से हमको करंट नोट करना है किसके अकॉर्डिंगली, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ मतलब कि हमको टेम्परेचर को चेंज करते हुए टेम्परेचर को चेंज करना है, इसका मतलब कि इसमें हीटर और हमारे पास थर्मामीटर दोनों की ज़रूरत है जो कि हम अपने एपरेटस से अभी देखेंगे। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए हमको जो करंट मिलेगा जिसको हम IS या सैचुरेटेड करंट के नाम से जानते हैं उसको नोट करेंगे। इसके बाद हमको जो हमारा टेम्परेचर मिला हुआ है इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे जो कि हमको कैपिटल T से रिप्रेजेंट होगा, जिसको हमको 10^3 अपॉन T के फॉर्म में लेके आना है, और लॉग बेस 10 IS जो सैचुरेटेड करंट है उसका लॉग बेस 10 लेके चलना है। तो इस तरह से ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या यूज़ होता है। तो फार्मूला हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं EG इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ द ग्राफ प्लॉटेड फॉर लॉग IS वर्सेस 10^3 अपॉन टी डिवाइडेड बाय 5.036। तो आपको ये जो ग्राफ मिलेगा ये डाउनवर्ड स्ट्रीम में मिलता है जो कि लॉग की 10^3 अपॉन टी जो कि हमने एक्स एक्सिस में लिया है और वाई एक्सिस में लॉग बेस 10 IS इसके बीच में ग्राफ लिया है। इसका जो हम स्लोप लेंगे नेगेटिव में स्लोप वो हमको उस फॉर्मूले में रखना है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट जो हमारा सेटअप है उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, आप जब लैब में आएंगे तो आपको इस तरह से सेटअप दिखाई देगा। सेटअप को देख के हम फिर सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। इस सेटअप को हम जब ऑन करते हैं ये देखिए आपका माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर है जिसमें आपको कुछ रीडिंग डिजिटल में दिखाई दे रही है, ये हमारे करंट की रीडिंग है। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम सप्लाई देते हैं 9 वोल्ट 12 वोल्ट इसकी सप्लाई है। और अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो हमारे टेम्परेचर को बताएगा। तो हमको यहाँ पे एक नॉब और दी हुई है जिसमें ओवन लिखा हुआ है, हम यदि इसको ऑन करते हैं, अब हम इसको यदि देखिए इस तरह से ऑन करते हैं यहाँ पे लाइट जल गई है। तो अब हम जैसे देख पाएंगे कि जैसे हमारी ये जैसे ही हमने इसको ऑन किया धीरे धीरे हमारे इसकी माइक्रोमीटर की रीडिंग बढ़ने लगती है और ये रीडिंग बढ़ती जाती है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ हम इस रीडिंग को नोट करते हैं एक एक डिग्री सेल्सियस तक, जैसे 57-58 तक लगभग यदि हमने इसको लिया टेम्परेचर को लिया है तो उस स्थिति में हम यहाँ माइक्रोमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ऑफ़ कर देंगे। फिर इसको डाउनवर्ड स्ट्रीम में, जैसे हमने 57 तक इसको बढ़ाया था तो डाउनवर्ड स्ट्रीम में अब हम इसकी रीडिंग को नोट करते जाते हैं। हम देखते हैं जैसे हम ओवन को बंद करते हैं हमारा टेम्परेचर डाउन होने लगता है, उसके साथ ही करंट IS की वैल्यू भी धीरे 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 घटने लगती है। तो इसके साथ ये जो हमको रीडिंग मिलती है हम इसको नोट करके इसी के हिसाब से अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमको इस तरह से जो ग्राफ मिल रहा है इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम, स्लोप की वैल्यू को हम रखते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है जो हमको EG या बैंड गैप एनर्जी का मान बताता है। तो जब हमको ये जो बैंड गैप एनर्जी मिल गई इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं और इस हिसाब से हम अपने परसेंटेज एरर को निकाल पाते हैं और अपने एपरेटस को बता पाते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कितना एक्यूरेसी से किया है।